विशेष हवन पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ, तो वहीं मिर्जापुर के महंत के शिवाला स्थित प्राचीन भोलेनाथ के मंदिर में भुवनेश्वर नाथ के नाम से प्राचीन शिव मंदिर में अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष पंडित साधु तिवारी ने भी विशेष पूजा अर्चना कर जहाँ समस्त ब्रह्मांड की शांति की कामना की, तो वहीं भारत के केंद्र सरकार के लिए सद्बुद्धि की दुआएं भी की। कहा कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करके देश के तमाम सवर्णों के साथ में भेदभाव का रवैया अपना रही है, जो सरासर सवर्णों के साथ अन्याय है। संशोधित अध्यादेश के सहारे समाज में वोट की राजनीति के चलते सवर्णों के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भगवान से कामना करते हैं कि केंद्र सरकार को सद्बुद्धि आए और वोट की राजनीति से ऊपर उठकर देश के हित में केंद्र सरकार काम करे। इसके लिए भगवान भोलेनाथ से सावन के अंतिम सोमवार को विशेष पूजा अर्चना के माध्यम से प्रार्थना की गई है। मिर्जापुर से वीरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। 35,000 रुपए एक नलकूप का मेंटेनेंस खर्चा सरकार देती है, लेकिन 200 मीटर नाली पूरे जनपद में कहीं नहीं बनी है। आवास के नाम पर 20-20,000 रुपए ग्राम पंचायत अधिकारी वसूली कर रहे हैं। जब कोई जांच में आता है, हम लोग ज्ञापन देते हैं खंड विकास अधिकारी को या SDM महोदय को या DM साहब को, तो जो जांच में आते हैं वो प्रधान के घर जाते हैं और प्रधान को जिस लोगों ने वोट नहीं दिया है उनका आवास का नाम कह दिया जाता है। 6 अगस्त को हमने माननीय जिलाधिकारी महोदय से वार्ता के समय ये आवाज उठाया था, ये बात रखा था कि आप आवास का, पेंशन का, समस्त प्रकार पेंशन का आप तहसीलवार या जनपदवार कैंप लगवा दीजिए, खुला कैंप लगवा दीजिए, सारे अधिकारी कर्मचारी आपके बैठे हैं और वहाँ CCTV कैमरा लगवा दीजिए, जिससे जो बात हो वो मालूम हो, कोई पैसा ना मांग पाए। परिवार रजिस्टर जो 500-500 रुपए में बेचा जा रहा है या सतगरा ग्राम पंचायत में, इसमें विकासखंड में, तुलसीपुर विकासखंड में 1200-1200 रुपए इसका लिया गया परिवार रजिस्टर का नकल का, वो कम से कम हमारे किसान बच तो पाए। इसीलिए तो हम मजबूर होकर के 6 अगस्त को चक्का जाम की घोषणा किए थे। किसान आयोग बनना चाहिए, 60 वर्ष पूरा कर चुके किसानों को 5,000 मासिक पेंशन मिलना चाहिए, समस्त किसानों का समस्त प्रकार का कर्जा माफ होना चाहिए, समस्त कृषि कार्य में प्रयोग होने वाले बिजली माफ होने चाहिए।